कहने को वादा तो कर लिया है मैंने फवाद से, लेकिन जाऊंगी कैसे? अम्मीजान कभी घर से बाहर नहीं जाने देंगे। क्या करूं? नहीं गई ना तो सख्त नाराज हो जाएगा। मैं नाराज होती हूँ तो मना लेता है, अगर वो नाराज हो गया तो कभी नहीं मानेगा। किरण, बेटा नजमा का फोन आया, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। कैसे? पता नहीं, बाहर खेलने के लिए गया था, कोई गाड़ी मार के चली गई है। चलो हम उसे देखा है, चलते हैं। अम्मी मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको तो पता है ना मेरे कितने सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, मेरा पूरा संडे वेस्ट हो गया। अम्मी मैं तो नहीं जा सकती। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद ही बेटा बाहर से ताला लगा के फिर चली जाती हूँ। मैं लॉक कर दूंगी ना, आप परेशान क्यों हो रही हैं? अरे बेटा कैसे लॉक करोगी, वो अंदर से लॉक नहीं होगा, बाहर से ही होगा, कल खराब हो गया था। अच्छा हाँ सुनो, मैंने ना चाइनीज बनाती है बेटा, गरम गरम खा लेना, ठीक है? चलो खुद ऑफिस में चल, खा लेना खाना। परेशान नजर आ रही और आपके घर से कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी, और आपका खदशा बिल्कुल दुरुस्त है। इस घर पे साया है, अरे फवाद बेटा मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं वो अम्मा मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वो डॉक्टर अमजद को कहीं जाना है 2 घंटे के लिए, तो इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। सुबह तो तुम्हारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था। इमरजेंसी तो अचानक ही होती है ना। अच्छा चाय तो पी लो ना। नहीं, तुम मानो या ना मानो ये लड़का जरूर किसी के चक्कर में है। खैर अस्पताल का तो मेरे पास नंबर है, बात कर लूंगी मैं। यार बाहर से कौन ताला लगाता है यार? यार वो अंदर का दरवाजे का लॉक टूटा हुआ है ना, तो इसलिए बाहर से लॉक करके जाते हैं। अच्छा सोचने दो मुझे। हाँ तुम एक काम करो, तुम 5 मिनट में तैयार होकर छत पे आओ, ठीक है? क्या छत? जाहिर है तुम्हारे घर का लॉक खराब है, मेरे घर का तो नहीं है ना। नहीं फवाद मैं तुम्हारी सीढ़ियों से नहीं उतर के जाऊंगी, अगर किसी ने देख लिया तो। जाने मन प्यार में एडवेंचर ना किया तो क्या प्यार किया, पर तो मेरे इतना नहीं कर सकती। हाँ लेकिन फवाद कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होता, प्लीज ट्रस्ट मी, पर आज तो मेरे लिए स्टैंड लोगी, कल मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा। वेट प्लीज आ रही हूँ, प्लीज ठीक है? ओके। हेलो हेलो सर्जिकल फॉर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फवाद बात कर रहा हूँ, कौन बात कर रहे हैं जी? डॉक्टर फवाद। सिस्टर कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज आपकी ड्यूटी ऑपरेशन थिएटर में है या रिसेप्शन में है? जी मैं अकेली हूँ, रुबीना छुट्टी पर है।
बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक छोटी सी फेवर चाहिए आपसे, वो ये कि अगर मेरे घर से अम्मी फोन करती हैं तो आप प्लीज उन्हें कहिएगा कि मैं ऑपरेशन थिएटर में, ठीक है? लेकिन सर देखिए मैं आपको आकर मिलकर सब बताऊंगा ये सब क्यों करना पड़ा, लेकिन अभी प्लीज ये छोटा सा काम कर दीजिएगा प्लीज। ओके सर, आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसा ही होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। सीधी बात यह है कि मैं हमीदा की बेटी मारिया से फवाद का रिश्ता करवाना चाहती हूँ। अरे तो भाई ये सीधी बात तुम अपने बेटे से कहो ना, मुझसे क्यों कह रही हो? शादी मैंने थोड़ा ही करनी है, उसने करनी है, मैं तो कर चुका हूँ। भाई वो मान नहीं रहा ना, आप मेरी मदद करें। देखो मेरा बेटा माशाल्लाह पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, उसे तो कोई हूर परी मिल जाएगी। सो तो मारिया चुड़ैल है इसलिए ना कि वो मेरी बहन की बेटी है। मैंने ऐसा हरगिज नहीं कहा, इसलिए बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए खालिद, आप अपना घर दिखाने के लिए क्लाइंट को कितना कन्विंस करते हैं, अपने बेटे को तुम शादी के लिए नहीं मना सकते। मैं अपने बेटे को जबरदस्ती पटाऊं किसी से शादी करने के लिए? तुम खुद सोचो ये कोई जायज बात है? तुम्हारा बेटा ही है या हॉस्पिटल से उठा के लाई हो इसे? कमाल है। तुम एक बात कान खोल के सुन लो रशीदा, ना मैं अपने बेटे के साथ जबरदस्ती करूंगा और ना किसी को करने दूंगा। उसकी शादी वहीं होगी जहां उसका दिल चाहेगा, बस। अच्छा मुझे पता है मेरे बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत, तुम भले ना मानो मैं खुद ही मना लूंगी। ओ, इसका मतलब ये है कि तुम उससे बात कर चुकी हो? नहीं, तुम कह रही हो ना कि तुम जानती हो कि क्या अच्छा है क्या बुरा। कहा की है मैंने उससे बात, अभी तो वो बच्चा है, मारिया से एक दो दफा मिलेगा तो खुद ही मान जाएगा शायद। और वैसे भी मैं भी अपने बच्चे का भला ही चाहती हूँ। दस मिनट पहले तो गया था फिर आ गया, मैं देखती हूँ। पिलाने से एक ही बार में उठकर बैठ गई है और तुम मुझे उस बीबियों के पास जाने से रोक रहे हो। क्या फजूल बातें करती रहती हो तुम? मैंने उसे दवा पिलाई है, एंटीबायोटिक दिया, उसने तो ठीक होना ही था, और हमारी बच्ची पहली मर्तबा बीमार तो नहीं हुई। और इस घर में जो अजीब अजीब से वाकयात हो रहे हैं वो, और सुबह मैंने तुम्हें पेंटिंग वाली इतनी बड़ी बात बताई है, तुम पे जरा असर नहीं हुआ। वहम है तुम्हारा, सिर्फ वहम। उस औरत की बात तुम्हारे सर पर सवार हो गई है। कोई वहम वहम नहीं है ये, मैंने पूरे मोहल्ले से पता किया, ये घर आसेब जदा है आमिर, हम इस घर से जा रहे हैं। क्या बेकार की बातें कर रही हो तुम? एक साल का एडवांस दे रखा है मैंने, सब कुछ छोड़ दूं? छोड़ दो सब कुछ, क्योंकि एजेंट ने तुमसे झूठ बोला था, ये घर आसेब ज्यादा है, उसने ये बात हमें बताई नहीं थी। हमारे बच्चों से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना, हमारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं आमिर। क्या बोलूं उससे, फजूल की बात करूं उससे? जो कुछ देखा सुना सिर्फ तुमने, मैंने नहीं। तो क्या फजूल की बात उससे करूंगा, तुम्हारी तरह मुझे भी पागल समझेगा।
क्या मतलब? तुम मुझे पागल समझ रहे हो? ये सारी बातें मैं अपने पास से बना रही हूँ। अगर इस घर में कुछ है तो मुझे क्यों नहीं नजर आता? चुकी आवाज है। ठीक तो बेटा, इसमें आ गया, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। इस घर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से, चलो। कैसी ये पहेली है।